हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। एक शहीद एक जननायक को अंतिम विदाई कैसे दी जाती है, इसकी एक तस्वीर बलरामपुर में देखने को मिली। पूरे 109 साल बाद एक योद्धा की अस्थियों का अंतिम संस्कार किया गया। उससे पहले रैली निकाली गई जिसमें आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए और पूरे सम्मान के साथ उन्हें पंचतत्व में विलीन किया गया। एक जननायक को अंतिम विदाई कैसे दी जाती है, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। आदिवासियों का ये विशाल जनसमूह अपने शहीद को अंतिम नमन कर रहा है। बलरामपुर के सामरी की इस रैली में वो सम्मान है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। पूरे 109 साल के लंबे इंतजार के बाद लागुर नगेसिया की अस्थियों का अंतिम संस्कार किया गया। लागुर नगेसिया एक योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। साल 1913 में अंग्रेजों से लोहा लेने के कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया था, तब से उन्हें शहीद का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन 109 साल बाद भी उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका था, लेकिन आज पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जिससे समाज के लोगों में खुशी है। संघर्ष काफी पहले से प्रयासरत था और अंततः आज इसमें हमें सफलता मिला है, और इस सफलता के पीछे यहाँ के आम जनता और सभी मतलब समुदाय के लोगों का साथ रहा है। और ये जो है विशेष रूप से हमारे महाराज जी जो हैं हमारा साथ दिए, हमारा समाज उनको मतलब धन्यवाद ज्ञापन देती है। लागुर नगेसिया की अस्थियां अंबिकापुर के एक निजी स्कूल में रखी हुई थी और आदिवासी समाज लगातार अंतिम संस्कार की मांग कर रहा था। इसे लेकर सामरी विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने पहल की और सीएम भूपेश बघेल से बात की, जिसके बाद कलेक्टर ने इन अस्थियों को चिंतामणि महाराज को सौंपा। अंतिम संस्कार में वो भी शामिल हुए थे, साथ ही बीजेपी नेता नंद कुमार साय ने भी शहीद को नमन किया। 1913 से जिनके अस्थि का इंतजार था, आज 4 तारीख को अग्नि संस्कार के द्वारा उसको संपन्न किया गया और समाज काफी संतुष्ट है। आगे इनके इस बलिदान को जीवंत करने के लिए और भी प्रक्रिया पूरा किया जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और प्रशासन ने भी इसको बड़ी तेजी से बाहर निकाला और आगे बढ़ाया है कार्यक्रम को। आगे जो जो प्रक्रिया करना है वो आगे किया जाना चाहिए और इनके इस अमर बलिदान को अमर कर दिया जाना चाहिए। आखिरकार एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक अमर शहीद पूरे सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। गाजे बाजे के साथ उनकी विदाई हुई। इतने सालों के इंतजार के बाद आज आदिवासी समाज काफी खुश है। अरुण सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, बलरामपुर।